हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैडम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, विल सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस है। ओके, दे सेइंग कि कोई टैरो कार्ड रीडर है जिन्होंने किसी कार्मिक की रीडिंग की है एंड अब वो कार्मिक हाथ धो करके इस रीडर के पीछे पड़ गया है और इस और ये रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस कार्मिक एनर्जी से अपना पीछा छुड़वाना। देख, वो बार बार करके अलग अलग अकाउंट से इस रीडर को अप्रोच कर रहे हैं और बेफालतू के मैसेजेस करके उन्हें उन्हें परेशान कर रहे हैं। ओके, हु इज दिस रीडर? या वो उन्हें उन्हें ज़बरदस्त तरीके से वो कर्स कर रहे हैं, सेइंग कि तुम फेक हो, तुमने तरीके से मेरी मदद नहीं की। दिस इज़ मोर लाइक ये कार्मिक एनर्जी रीडिंग से सैटिस्फाइड नहीं थी। रीडर ने उन्हें जो बताया वो उससे वो सैटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा इस रीडर के ऊपर निकालने की कोशिश कर रही है और ज़बरदस्ती की बेकार की बातें ये कर रहे हैं, सेइंग कि तुमने मेरे पैसे ले लिए बट तुम अच्छे से रीडिंग नहीं किया है, दिस एंड दैट। वो बेसिकली उसे मजबूर करने की कोशिश करे कि दोबारा रीडिंग किया जाए और वो यू नो वही मैसेजेस इस रीडर के मुंह से निकाले जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। बट ये रीडर जो है बार बार करके उन्हें ब्लॉक कर रही है। ये कोई मैस्कुलिन रीडर भी हो सकते हैं, ये बार बार करके इन्हें ब्लॉक कर रही है बट ये कार्मिक एनर्जी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये इसकी हालत ऐसी है कि वो अपने डिवोर्स, अपने ब्रेकअप के कारण भी इस रीडर को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। जबकि ये विद दैट हाइफ इन रिवर्स इट टेल्स मी कि इनका पहले से ब्रेकअप हो चुका था और उसके बाद वो रीडिंग करवाने आई थी ये जानने के लिए कि दोबारा वो उसे प्रपोजल मिल सकता है कि नहीं। थैंक गुडनेस। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत संभल के रीडिंग किया करो। कार्मिक्स के लिए रीडिंग नहीं करना है, अपने एनिमी एनर्जी को कभी भी एम्पावर नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर आपको पैसे की ज़रूरत क्यों ना पड़े। बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। या ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड की एनर्जी में, माय गुडनेस, बहुत ही टॉक्सिक है बाबा। उल्टी पुल्टी बातें वो कह रहे से हैं कि हाँ तुम लोगों को ठग करके बहुत सारे पैसे कमा लेते हो, तुम्हारे तो बहुत सारे क्लाइंट्स बन गए बहुत कम समय में, कहीं तुम कुछ यू नो टुक तक तो नहीं करते। ये जो भी कार्मिक एनर्जी है ना, ये बहुत बकवास कर रहे हैं, लाइक सीरियसली, बिकॉज टैरो कार्ड रीडर के लिए ये हाई प्रिस्टेस अपराइट आया है, विच टेल्स मी शी इज़ एन ओरिजिनल रीडर। वो अपना काम कर रही थी एंड उसने गलत एनर्जी के लिए रीडिंग कर दिया। ये बहुत बड़ा सबक होगा इस रीडर के लिए कि वो आगे से बहुत संभल के रीडिंग करे। आई फील कि रीडिंग के दौरान विद दैट एम्परर वो किसी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी पिक की, प्रॉब्ली ये कार्मिक किसी डिवाइन मास्कुलिन को अपने साथ बांध के रखने की कोशिश कर रही थी एंड रीडिंग के दौरान ये सारा खुलासा हो गया यहाँ पर कि वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है, ठीक है, एंड द अदर पर्सन इज़ डिवाइन फेमिनिन। और इस रीडर ने मुंह पर इन्हें बोल दिया कि तुम कार्मिक हो।
राइट ओके, ये जो कार्मिक एनर्जी है जैसे कि इसे इस रीडर का कोई जान पहचान वाले ने ही जानबूझ के भेजा है इस रीडर को परेशान करने के लिए, कि जानबूझ के वो रीडिंग ले और किसी बहाने से उन्हें तंग करे, उनके मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब करने के लिए उन्हें भेजा गया है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो इल्ज़ाम लगा रही है कि इस रीडर के ऊपर, वो खुद एक्चुअली यहाँ पर किसी के बोलने पर वो ये सारी बुकिंग्स की थी। गाइस बी वेरी केयरफुल किसके लिए रीडिंग करते हो यार। ओके, कैन वी गेट सम रिलीफिंग मैसेजेस कि इस रीडर को इस टॉक्सिक एनर्जी को कैसे रिलीज करना है, बिकॉज ये मैसेज तो ऑलरेडी आ चुका है कि उन्हें उनकी लेसन मिल गई है कि फट-फट से किसी के लिए रीडिंग नहीं करना है। कुछ रिलीविंग मैसेजेस प्लीज इस रीडर के लिए। ओके, ये एक कोई कार्मिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये फेमिनिन कार्मिक हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आई विल से 65% ये कार्मिक फेमिनिन है और बाकी का जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। इसकी ज़िंदगी एक्चुअली उथल पुथल हो रही है, ठीक है, और वो लिटरली अपना सारा टॉक्सिसिटी कम्युनिकेशन के ज़रिए आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। तो इस रीडर को प्रॉब्ली अपना पेज बंद करके दोबारा पेज स्टार्ट करने की कोशिश भी करने के आइडियाज़ आ रहे थे, सेइंग कि नहीं तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये तुम्हारे घर वाले नहीं है, ये कार्मिक एनर्जी आपके घर वाले अगर नहीं है तो अगर आपको बहुत सारे फॉलोअर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, और डू नॉट रीस्टार्ट योर पेज, ठीक है, दूसरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ग्राउंड्स में स्टेडी रहो एंड इस बात को समझने की कोशिश करो कि किस वजह से आपने इस रीडर के लिए, इस कार्मिक के लिए आपने रीडिंग किया था, ठीक है, वो क्या रीज़न थी जिसके वजह से आप इनके बातों में आ गए। अगर आप इस एनर्जी को आप पहचान नहीं पाए थे, या पैसे के लिए, क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, आपने हाँ बोल दिया, वट एवर द रीज़न इज, इस रीज़न को समझते हुए आपको अपने भीतर के उस एनर्जी को आपको ख़त्म करना होगा, आपके अपने उस खुद के उस हिस्से को आपको रिजुविनेट करना होगा, नॉट रिजुविनेट, इट्स मोर लाइक उसे रिमूव करना होगा, ताकि आगे से आप अगर किसी मजबूर स्थिति में भी पहुंच जाओ जहां पर लाइक आपके पास पैसे नहीं है बिल्स देने के लिए, तो कोई आपको मजबूर करके ऐसे टॉक्सिक साइकिल में आपको बांध ना सके। और अगर आप इस कार्मिक एनर्जी को आप पहचान नहीं पाए, तो वो आपका कौन सा अंधापन था जिसके वजह से आप एक कार्मिक एनर्जी को ही पहचान नहीं पाए, और आपको लगा कि ये बहुत क्यूट से है या उन्हें मदद की ज़रूरत है, अगर आपने बेफालतू के अपने मन को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारते हुए अगर अपने आप को आपने समझाने की कोशिश किया था ज़बरदस्ती कि नहीं मदद तो सब डिज़र्व करते हैं, ये सब अपने हायर सेल्फ, अपने इंट्यूशन की बात के अगेंस्ट जा करके अगर आपने इस पर्सन की रीडिंग की थी, तो आपको अपने इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा कि आगे से आप अपने एंसेस्टर्स, अपने एंजल, अपने हायर सेल्फ, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को नकार के इस तरीके से किसी के लिए रीडिंग नहीं करोगे। आपको अपनी गलती को यहाँ पर सुधारना होगा एंड आपको इस एनर्जी को ऐसे रिवर्स करते हुए उन्हें रिलीज करना होगा, ताकि
वो दोबारा आपके साथ या किसी और रीडर के साथ ऐसा इनजस्टिस ना कर सके। आई फील कि इसने सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि किसी और को भी उन्होंने बहुत तंग किया है। ये यूजुअली रात के टाइम पे आपको मैसेजेस करते हैं, ठीक है, एंड अगर आपने फ़ोन नंबर उन्हें दिया है, आई एम हियरिंग कि उन्होंने किसी को आपका फ़ोन नंबर भी पास ऑन किया। अगर आप नहीं चाहते थे कि आपका फ़ोन नंबर या इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाए, तो इन्होंने जानबूझ के आपका फ़ोन नंबर भी किसी और को एक्सटेंड किया है, किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास आपका इन्फॉर्मेशन जाना ठीक नहीं था। ठीक है, इस पर्सन को अबैंडनमेंट इशू भी है कि उन्हें पसंद नहीं है कि अगर कोई उन्हें मना करे, उन्हें ना बोल ना सुनना उन्हें पसंद नहीं है, वो बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आप में से कुछ के रीडर्स, आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो, और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन का आपके ट्विन फ्लेम का कार्मिक है जो क्लाइंट बन के आपके आपके पास आए और आप उन्हें पहचान नहीं पाए, और आप वो डिवाइन मैस्कुलिन अगर इन्हें आई शुड बी सेइंग आपके ट्विन अगर इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसकी बदला वो आपसे लेना चाहते हैं। इट्स लाइक अगर आपके ट्विन ने उन्हें डंप कर दिया है, उन्से सेपरेट हो गए हैं, उन्हें कोई प्रपोजल नहीं दिया है, वो इस रिलेशनशिप को रिजुविनेट करना चाहते थे, रिकनसाइल करना चाहते थे, वो हुआ नहीं, और इसीलिए वो सारा गुस्सा वो आपके ऊपर डंप कर रहे, वो जानबूझ के आपसे रीडिंग के बहाने वो आपके कांटेक्ट में आए ताकि वो आपको तंग कर सके, वो आपको बदनाम कर सके, आपके ऊपर से वो बदला ले सके। या वो ये हाई प्रीस्टेस कार्ड बार बार करके मेरी तरफ स्टेयर कर रहा है। सो यू गाइस आर, यहाँ पर कोई है जो ओरिजिनल रीडर है और डिवाइन फेमिनिन आप या डिवाइन मास्कुलिन है जिसके ट्विन फ्लेम के कार्मिक ने उन्हें अपने टारगेट में लिया है, या तो उनका मैरिज प्रपोजल कैंसिल हो चुका है, या फिर उनका लाइक मैरिज एंडिंग में आ रहे, दिस पर्सन रियलाइज कि इट्स लाइक रीडिंग के दौरान आई एम हियरिंग कि आपने ये बात समहाउ डिक्लेयर कर दिया था कि ये कार्मिक है और डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन नहीं है, और उन्हें पहले से ये बात पता भी था, उन्हें बस एक तरीका चाहिए था आपके कांटेक्ट में आने का और आपको परेशान करने का ताकि वो आपको हर्ट करके और डिवाइन मैस्कुलिन को भी हर्ट कर सके, आपके ट्विन फ्लेम को हर्ट कर सके। आप में से कुछ के जो ट्विन फ्लेम्स है वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं बिकॉज ये सेलिब्रेशन कार्ड इज़ रिवर्स, तो ये ऑलरेडी डम्प्ड हो चुका है ये कार्मिक एनर्जी और उसी का बदला वो आपसे ले रहा है। यू नीड टू गो थ्रू अ रीबर्थ गाइस इस एनर्जी से अपने आप को छुड़वाने के लिए, आपको इसे इम्पोर्टेंस देना बंद करना होगा। एंड आपके मन में अगर आपके ट्विन फ्लेम के अगेंस्ट कुछ है ना, आपको उसको भी ठीक करना होगा। यू नीड टू रियलाइज कि आपके मन में अगर इस कार्मिक के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है ना कि ये मजबूर है, बेचारी है, ये कोई बेचारी या बेचारा नहीं है, या दिस पर्सन इज क्रेजी, इसके जो फेनिया निकल के आया है, दिस पर्सन इज क्रेजी एंड विद दैट एक्सपीरियंस का 2 से 3 दैट टेल्स मी कि आपके आपके एक्सपीरियंस के लिए आया है। It's going to be a part of your experience dealing with this person. या ये person बार बार करके आपको compromising position में डाल रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, ये person literally आपके लिए isolation manifest करे, आपको एक forceful energy feel नहीं हो रहा है इस person से, इस karmic energy से, कि वो हमेशा अपना
वो जो चाहते हैं वो आप वो काम आपसे निकलवाने के लिए वो हमेशा बहुत फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती। लाइक अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे और रीडिंग नहीं करना है, तो वो ज़बरदस्ती आपको 100 बातें सुना देता है ताकि आप मजबूर होकर के वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में जाकर के आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने बाउंड्रीज को ड्रॉप करते हुए उनके लिए रीडिंग करो। वो आपके लिए आइसोलेशन भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, सेइंग कि जैसे तुम्हारे ट्विन ने मुझे डंप कर दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस अकेलेपन में जूझो। माय गॉड, ये तो फुल रिवेंज मोड पे है। या दिस इज वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सन, एंड डिवाइन आपको एक्चुअली शो कर रहे हैं कि आपको इसे रफा दफा करना होगा, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको इसको रफा दफा करना होगा। ये खुद डम्प्ड, रिजेक्टेड फील कर रही है या कर रहा है, और वो चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही फील करो। या बट देन वी हैव रीबर्थ, सो इस कार्मिक साइकिल को आप रैप आउट करके आप उसको रफा दफा कर पाओगे। ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपको हाथ धो करके आपको स्टॉक करते हैं, लाइक आपका हर एक वीडियो वो आपका देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वो आपका हर एक पोस्ट को वो देखता है या देखती है। या यहाँ पर वी हैव द अवेयरनेस कार्ड विच टेल्स मी कि आप यहाँ पर ना सिर्फ रिकग्नाइज करोगे कि कौन आपके तरफ साइकिक अटैक्स भेज रहे हैं, आपके लिए बैड लक मैनिफेस्ट कर रहे, प्लस आप यहाँ पर इस एनर्जी को बहुत गाइडेड फील करोगे इसे रफा दफा करने के लिए। एंड अगर यू गाइज, आई वुड सजेस्ट योर कि आप लोग मेरे स्पेल वर्क रिमूवल जो कैंडल्स है, ठीक है, उन्हें आप ट्राई कर सकते हो। इट रियली वर्क्स वेल, ठीक है, ये स्पेल वर्क्स एंड ब्लैक आई रिमूव करने के लिए एकदम मस्त है, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी ऑफ माई, और अगर आपका कोई फेवरेट रीडर है, ठीक है, जो ये स्पिरिचुअल कैंडल्स वगैरह बनाते हैं एंड क्रिस्टल्स वो सेल करते हैं, तो उनसे बात करो, सजेशन लो, एंड यू परचेज दोज थिंग्स, आपके इस वक्त वो बहुत काम में आएंगे, ठीक है ना। या विद दैट कंप्लीशन कार्ड एंड द रीबर्थ कार्ड, दैट टेल्स मी कि आप एक्चुअली इस रीबर्थ को कंप्लीट कर पाओगे। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना इस एनर्जी को रिकग्नाइज करते हुए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।